Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Business Finance. Today we are conducting our 8th lecture and your instructor Sayyid Arusha. Class, as you know, in previous lecture we discussed about the shares and its types. Its two basic types. We talked about the common shares and preference shares, where we also compare the both types of shares. In today's lecture, we are continuing the shares and its types by classifying shares into authorized shares, issued and unissued, outstanding, treasury shares, floating, closely held, and all these classification of shares can be either ordinary shares or preference shares. Class, ये flow chart मैंने बनाया है आपके understanding के लिए. जब हम shares की classification करते हैं और हमने जब types of financial statements में बैलेंस शीट पड़ी थी और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे स्टॉक होल्डर इक्विटी के पोर्शन में हम ये देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के नेम्स लिखे होते हैं, लाइक ऑथराइज्ड शेयर्स, लाइक इशूड शेयर्स, लाइक आउटस्टैंडिंग शेयर्स. बट ये होते क्या हैं, ये पहले आपको समझाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये इनकी क्लासिफिकेशन किस तरह की हुई है और ये बैलेंस शीट में किस तरह यूज होते हैं. क्योंकि जब आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस के जब पोर्शन करेंगे, लेक्चर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे, तो उसमें हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमें इन चीजों का पहले से पता हो. क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप की डिफरेंट कंपनीज की बैलेंस शीट्स प्रोवाइड की जाएंगी और हमने वहां पे उनका एनालिसिस करना है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको इन सारी टर्म्स एंड और जितनी भी शेयर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ये सारी आपको इसके ऊपर आपको कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए और आपको इन सब टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्म ऑफ शेयर्स होते हैं, कौन सी क्लासिफिकेशन है, कैसी कैटेगराइजेशन है और किस तरह की जाती है इनकी कैटेगराइजेशन. तो ये एक फ्लो चार्ट डेवलप किया गया है. सबसे पहले हमारे पास ऑथराइज शेयर्स होते हैं. किसी भी कंपनी के पास जब उसने शेयर्स को इश्यू करना होता है तो एक ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं कि इतना ये कंपनी ऑथराइज है. और फिर उसमें से हम इश्यूड शेयर कितने हैं और अन इश्यूड कितने हैं. अब अन इश्यूड शेयर तो फर्दर उसकी कैटेगराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि वो अभी इशू नहीं, अन इश्यूड है कंपनी के पास की. लेकिन जो इश्यूड शेयर है उसको फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं इनटू आउटस्टैंडिंग शेयर एंड ट्रेजरी शेयर्स, और फिर आउटस्टैंडिंग शेयर, फ्लोटिंग शेयर और क्लोजली हेल्ड शेयर्स के अंदर इनकी कैटेगराइजेशन होती है. तो इनको वन बाय वन हम इन सब कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ शेयर्स को हम स्टडी करेंगे ताकि हमें इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. सबसे पहले हमने देखा ऑथराइज शेयर. ऑथराइज शेयर्स वो होते हैं जो कि मैक्सिमम नंबर कोई भी कंपनी इश्यू कर सकती है और वो लीगली बाउंड होती है कि वो उस नंबर से ज्यादा शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती. और जो एक कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर वो मेंशन होता है कि इस कंपनी ने इतनी नंबर ऑफ शेयर्स ही ऑथराइज है, ये इससे ज्यादा शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती, वो उसकी ऑथराइजेशन है. इन केस अगर कोई कंपनी अपनी ऑथराइज शेयर्स से ज्यादा इश्यू करना चाहती है तो उसके लिए फिर उसको प्रॉपर उसके लिए जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका वो डिसीजन लेते हैं और फिर उसके ऊपर मेजोरिटी वोट होता है. फिर उसके बाद अप्रूवल होता है कि कंपनी ऑथराइज है कि वो और ज्यादा अपनी ऑथराइजेशन जो लिमिट है नंबर ऑफ शेयर्स की वो बढ़ा सके. इसके लिए जो कंपनी जहां जहां रजिस्टर होगी वहां वहां वो अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को फिर अपडेट करेगी. सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास है, जो गवर्नमेंट के जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जितने इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंपनीज को रेगुलेट करते हैं, कंपनी ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली जो इंस्टीट्यूट है जहां पे आपकी कंपनी रजिस्टर है वहां पे आपने अपना ऑथराइज कैपिटल को अगर बढ़ा रहे हैं तो वहां पे उनको अपडेट करना है. स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो जहां जहां आपकी कंपनी डील कर रही है, जहां जहां लीगली बाउंड है वहां पे आपने अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो फिर आप उनको इन्फॉर्म करते हैं. तो ऑथराइज शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू कर सकती है, उसके पास कितनी ऑथराइजेशन है. तो सबसे पहले इस फ्लो चार्ट के अंदर हमने देखा कि सबसे ऊपर ऑथराइज शेयर है, एक कंपनी कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इश्यू कर सकती है और वो बाउंड है कि वो उतने ही इश्यू करेगी. अगर उस लिमिट से बढ़ेगी तो उसके लिए उसको स्पेशल अप्रूवल लेने हैं
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से और बाकी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वहां से, और फिर वो अपने ऑथराइज कैपिटल को, ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा सकती है। उसके बाद जो ऑथराइज के बाद कैटेगराइजेशन है इश्यूड शेयर एंड अन इश्यूड शेयर। अब इश्यू शेयर क्या होते हैं कि मोस्ट कंपनी जो है वो जितनी उनके पास ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर्स की लिमिट है वो सारे के सारे तो इश्यू नहीं करती, कुछ शेयर्स वो इश्यू कर लेंगे, कुछ शेयर्स वो अनइश्यूड रहने देंगे ताकि वो फ्यूचर में उनसे उनको फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। सारे के सारे शेयर्स को अभी आप इश्यू कर लेंगे तो आप फ्यूचर में कैसे अपनी जो रिक्वायरमेंट जो नीड्स हैं उनको मीट करेंगे फाइनेंसिंग नीड्स को। तो कुछ कंपनीज जो है वो अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर से कुछ नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इश्यू करते हैं, कुछ इश्यू नहीं करते। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स वो इश्यू करते हैं उससे वो अपना कैपिटल को इंक्रीज करते हैं और अपनी फाइनेंशियल नीड्स को मीट करते हैं, और जो बाकी बच जाते हैं वो अन इश्यूड की कैटेगरी में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी के जो ऑथराइज शेयर्स नंबर है वो 1000 है और उसमें से वो 600 इशू करते हैं तो बाकी 400 वो अनइश्यूड शेयर्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इशू शेयर का कि जितनी कंपनी इशू करती है शेयर्स वो इशूड शेयर कहलाते हैं, जो इशू नहीं करती वो अनइश्यूड कहलाते हैं। अब हम फर्दर, अब जो अनइश्यूड शेयर्स हैं उनको फर्दर उसकी कैटेगराइजेशन तो नहीं होगी, वो कंपनी के पास ही है, कंपनी ने अभी इशू नहीं किए। अब जो इशूड शेयर्स हैं उसके अंदर आउटस्टैंडिंग और ट्रेजरी शेयर्स हैं। अब हम देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं और ट्रेजरी शेयर्स क्या होते हैं। पहले आउटस्टैंडिंग देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर्स ये होते हैं कि जो आपने शेयर्स इशू किए हैं उन शेयर्स में से करंटली शेयर होल्डर के पास शेयर कितने, शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स हैं। करंटली आपके जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो इस वक्त शेयर होल्डर्स के पास हैं वो आउटस्टैंडिंग कहलाएंगे, और वो शेयर्स कि जो आपने कभी इशू किए थे लेकिन कंपनी ने बाय बैक कर लिए, कंपनी ने रीपरचेज कर लिए वो शेयर्स, वो हम उन शेयर्स को ट्रेजरी शेयर्स कहते हैं या ट्रेजरी स्टॉक कहते हैं। आप शेयर्स भी बोल सकते हैं, स्टॉक भी बोल सकते हैं। तो वो शेयर्स जो करंटली आपके शेयर होल्डर्स के पास हैं, दे आर होल्डिंग योर शेयर्स कंपनी के शेयर्स को, और जो उन जो आपने बाय बैक कर ली वो ट्रेजरी शेयर्स हैं, जो उनके पास हैं वो आउटस्टैंडिंग शेयर्स होंगे। वो शेयर होल्डर्स कोई जनरल पब्लिक भी हो सकती है, वो कोई कंपनी के एफिलिएट्स भी हो सकते हैं, वो कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनके पास आपके कंपनी के शेयर्स हैं वो आउटस्टैंडिंग शेयर्स होंगे, और जो आपने रीपर्चेज कर लिए वो आपके ट्रेजरी शेयर्स होंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जो आपके इशूड शेयर्स हैं, जहां पे हमने एग्जाम्पल दी थी कि फॉर एग्जाम्पल 600 इशूड शेयर्स हैं और 600 में से आउटस्टैंडिंग शेयर्स लेट से आपके 500 आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं या 100 आपके या जो बाकी 600 में से 100 जो है वो आपके ट्रेजरी शेयर्स हैं। तो अब ये कभी ना कभी तो ये इशू हुए थे और जो आपने बाय बैक कर लिए ट्रेजरी शेयर्स, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अनइश्यू हो गए। वो इशू वंस, एक बार इशू जो हो गए शेयर्स वो हमेशा इशू ही रहेंगे। अब ये ट्रेजरी शेयर्स कंपनी ने बाय बैक कर लिए थे और ये कंपनी हमेशा अपने पास भी रख सकती है अपनी ट्रेजरी के अंदर, और इसको दोबारा सेल भी कर सकती है। अगर ये इसको इन ट्रेजरी शेयर्स को दोबारा सेल करेगी तो फिर ये री इशू नहीं होंगे। री इशू इन अ सेंस के इशू शेयर्स का नंबर नहीं बढ़ेगा, दोबारा री इशू पब्लिक के अंदर दोबारा सेल करेंगे लेकिन जो इशू शेयर का नंबर है वो नहीं बढ़ेगा। और लाइक वाइज जब आपने बाय बैक कर लिया तो इश्यू शेयर्स का नंबर जो है वो कम नहीं होगा। इसको फर्दर आगे एग्जांपल से भी मैं आपको समझा देती हूँ। उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, जो करंटली शेयर होल्डर के पास आपके शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक है फ्लोटिंग शेयर और दूसरा है क्लोजली हेल्ड शेयर। क्लोजली हेल्ड शेयर्स वो शेयर्स हैं आपके जो कंपनी के क्लोज एफिलिएट्स हैं उनके पास हैं, कोई इंस्टीट्यूट्स के पास हैं, कोई कॉर्पोरेट्स के पास आपके शेयर्स हैं, लेकिन वो शेयर्स वो
ट्रेड नहीं करते, वो उन्होंने होल्ड किए हुए हैं, वो अपने पास रखे हुए हैं और उसके ऊपर वो ट्रेडिंग नहीं करते, वो लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास होल्ड ही रहते हैं और दे आर जस्ट लाइक अ शेयर होल्डर, के वो मेजर शेयर होल्डर्स हैं आपकी कंपनी के जिन्होंने आपके शेयर्स को परचेज किया और वो उन्होंने अपने पास रखे और वो उसको ट्रेड नहीं करते। मे बी वो लीगली भी बाउंड हो, आपकी कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर भी बाउंड हो कि वो उनको ट्रेड नहीं करेंगे तभी आप उनको बेचेंगे, तो उन्होंने क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए हैं आपसे तो वो उसको ट्रेड नहीं करते और वो क्लोजली हेल्ड होते हैं। अब जो दूसरी टाइप इसकी आ गई वो है फ्लोटिंग शेयर्स। फ्लोटिंग शेयर्स वो शेयर्स हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डेली बेसिस पे ट्रेड हो रहे हैं, वो आपके फ्लोटिंग शेयर्स कहलाते हैं, फ्रीली ट्रेड होते हैं डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और अगर जितना आपका जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स के अंदर से जितना ज्यादा प्रोपोर्शन आपका फ्लोटिंग शेयर्स का होगा, लेट्स से जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उसका 80% आपका फ्लोटिंग शेयर है और 20% आपका क्लोजली हेल्ड है, तो 80% मींस कि आपका जो कंपनी का ट्रेड स्टॉक का ट्रेड वॉल्यूम है वो बहुत हाई है क्योंकि वो 80% आपके शेयर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो वो फ्लोटिंग शेयर्स जितने ज्यादा होंगे उतना कंपनी का ट्रेड वॉल्यूम उसके स्टॉक का ज्यादा होगा। और ये भी हो सकता है कि आपने अपना 80% जो है शेयर्स का वो क्लोजली हेल्ड को दिया हो और 20% आपका फ्लोटिंग शेयर्स हो, तो मींस आपका नॉमिनल सा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा आपकी कंपनी का। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स हमने देखे अकॉर्डिंग टू देयर इश्यूएंस, कि जो आप जब शेयर्स इश्यू करते हैं तो उसकी या जो नंबर ऑफ शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कैसे होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कैटेगराइज इस तरह करते हैं कि ऑथराइज शेयर, फिर इशू, अनइश्यूड, आउटस्टैंडिंग, ट्रेडी शेयर्स और फिर फ्लोटिंग और क्लोजली है। अब हम बात करते हैं जो हमारे नॉर्मली हम जो टर्म यूज करते हैं कॉमन शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब जो कॉमन शेयर्स हैं या ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उनको हम इक्विटी शेयर्स भी कहते हैं। मेजॉरिटी ये वो शेयर्स होते हैं जो आपके उन शेयर होल्डर के जो आपके फर्स्ट ऑनर होते हैं उनके पास ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ शेयर कॉमन ऑर्डिनरी शेयर्स का होता है। और इसके कुछ बेनिफिट्स हैं कॉमन शेयर्स के जो कि शेयर होल्डर्स को वो प्रेफर करते हैं कि वो कॉमन शेयर होल्डर्स हों आपकी कंपनी के रादर देन प्रेफरेंस। और वो बेनिफिट्स क्या है कि जो आपकी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स या कॉमन शेयर्स या इक्विटी शेयर्स परचेज करेगा वो इस कंपनी के अंदर उसका जितने ज्यादा उसके पास शेयर्स होंगे उतना वो कंपनी का कंपनी की जो ऑनरशिप है वो उसको मिलेगी। और ऑनरशिप किस तरह मिलती है कि आपका वोटिंग राइट हो जाता है कंपनी के अंदर, आप कंपनी के इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं, आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट हो सकते हैं। सो आपका ज्यादा एम्फोसिस जो है वो उन शेयर्स के अगेंस्ट डिविडेंड लेना नहीं है, आपका एम्फोसिस ये है कि इस कंपनी की आपका एम ये होता है जो कॉमन शेयर होल्डर्स होते हैं कि इस कंपनी के अंदर होल्ड हो, इस कंपनी के अंदर उनका उनकी ऑनरशिप हो, उनकी प्रेजेंस हो, उनकी मर्जी चले। तो इन उस पर्पज के लिए जब कोई शेयर होल्डर आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज करेगा तो वो कॉमन शेयर्स परचेज करेगा, ऑर्डिनरी शेयर्स या इक्विटी शेयर्स परचेज करेगा। इनको भी डिविडेंड दिया जाता है बिल्कुल जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, लेकिन वो डिविडेंड जो होता है वो जरूरी नहीं है कि वो फिक्स हो, वो ये भी जरूरी नहीं है कि आपको देना ही देना है, जो कॉमन आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको मस्त देना है, आपकी जितनी अर्निंग होगी आप उनको देना चाहते हैं तो दे देंगे, या अगर वो री इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने जो विड्रॉ करते हैं डिविडेंड नहीं लेते और वो अर्निंग को री इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में तो वो कर सकते हैं। बेसिकली जो कॉमन शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्योंकि ऑनर्स होते हैं, फर्स्ट ऑनर होते हैं, तो वो उनका एम्फोसिस डिविडेंड पे नहीं होता, उनका एम्फोसिस होता है कि वो उनकी कंपनी के अंदर उनकी ऑनरशिप हो, उनकी प्रेजेंस हो। और यूजली जो जब आप डिविडेंड पे करते हैं, अगर इन केस डिविडेंड पे कर रहे हैं तो आप जो कॉमन शेयर होल्डर्स हैं उनको पीछे रखेंगे और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको पहले डिविडेंड देंगे और फिर बाद में कॉमन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे। तो हम अब प्रेफरेंस शेयर की तरफ जाते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का
जो बेसिक जो उनका जो इसके नाम से ही हमें आइडिया हो रहा है कि प्रेफरेंस दी जाती है, उनके जो भी राइट्स बनते हैं उसके अंदर उनको प्रेफरेंस दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड इश्यू होगा, डिविडेंड अनाउंस होगा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड मिलेगा। अगर कंपनी जो है वो वाइंड अप हो जाती है, कंपनी जो जब उसका वाइंड अप होगा तो प्रेफरेंस दी जाएगी कि जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स हैं उनको सबसे पहले जो रीपे किया जाए, उनको सबसे पहले कंपनसेट किया जाए, तो उसके बाद बाकी जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनसेट किया जाता है या उनको रीपे किया जाता है, लेकिन सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनका मेन एम ये होता है कि उनको कितनी अर्निंग हो रही है, कितना डिविडेंड उनको मिलेगा, कितना उनकी जो शेयर होल्डर वो हैं वो उनकी उनका कंसर्न ऑनरशिप के साथ नहीं है, उनका कंसर्न कंपनी की इंटरफेरेंस के साथ नहीं है, उनका बस जस्ट प्रॉफिट अर्निंग है उनका ही, तो इसलिए उनको हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो आपके कॉमन शेयर होल्डर्स। अब ये जो दो टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स हैं ये इस फ्लो चार्ट के अंदर कहीं भी आ सकते हैं। जब ऑथराइज शेयर जो टोटल नंबर ऑफ ऑथराइजेशन है, उसके बाद जब आप शेयर्स को इश्यू करते हैं, जो जो इश्यू नंबर ऑफ शेयर्स है उसके अंदर हो सकता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हो, उसके अंदर कॉमन भी हो सकते हैं। जो अब अन इश्यूड शेयर्स तो कंपनी के पास ही है, वो तो किसी के पास नहीं है, तो उसको आप साइड पे रख सकते हैं। जो इश्यूड शेयर्स हैं उसके अंदर आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स के करंटली जो शेयर होल्डर्स के पास आपके शेयर्स हैं उसके अंदर आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, कॉमन शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। और जो ट्रेजरी शेयर्स हैं कि जो आपने रीपर्चेज कर लिए शेयर होल्डर से, तो ये भी हो सकता है कि आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रीपर्चेज किया हो, ये भी हो सकता है कि आपने कॉमन शेयर होल्डर से या इक्विटी शेयर होल्डर से रीपर्चेज किया हो। अब आउटस्टैंडिंग शेयर्स के बाद फिर फ्लोटिंग शेयर्स हैं, जो आपके क्लोज एंड क्लोजली हेल्ड शेयर्स हैं, जो आपके क्लोज एफिलिएट्स के पास शेयर्स हैं। अब इसके अंदर कॉर्पोरेट्स हैं, कुछ आपकी क्लोज एफिलिएशन हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, और जो फ्लोटिंग शेयर्स हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास भी हो सकते हैं और जो आपके कॉमन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैं उनके पास भी हो सकते हैं। लाइक वाइज क्लोजली शेयर्स भी प्रेफरेंस के पास भी हो सकते हैं और आपके जो कॉमन शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर उनके पास भी हो सकते हैं। तो वो जो दो कैटेगरीज हैं वो इस फ्लो चार्ट के अंदर कहीं भी हो सकती हैं। अब इसको हम एक टेबल के साथ थोड़ा सा इलैबोरेट कर देती हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑथराइज शेयर नंबर ऑफ शेयर जो है वो 1000 है, कोई भी एक एबीसी कंपनी है जिसको ये ऑथराइजेशन है उसकी कि वो 1000 शेयर ही इश्यू कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं फाइनेंसिंग के लिए। अब जो अगर वो 1000 से ज्यादा करना चाहेगी या उसने सारे शेयर्स जो 1000 के 1000 थे वो सारे इशू कर चुकी है, अब उसको फर्दर मोर इश्यूएंस चाहिए, उसको अपना ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना है, नंबर को इंक्रीज करना है, उसके लिए वो अपने मेमोरेंडम ऑफ जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर चेंजेस लेके आएगी और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो प्रॉपर अप्रूवल देगा, वोटिंग मेजोरिटी वोट्स मिलेंगे कि हाँ आप ऑथराइज हैं कि आप इंक्रीज करें, फिर ये अकॉर्डिंगली कितना नंबर इंक्रीज करना है वो डिसीजन होगा और फिर कंपनी जो है वो अपडेट करेगी अपने जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और जो जहां पे भी वो रजिस्टर है वहां पे उनको अपडेट करेगी कि उन्होंने अपना ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर जो है वो इंक्रीज कर लिया है। अब लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल है 1000 शेयर्स ऑथराइज है एक कंपनी, उसमें से वो 600 इशू करते हैं और जो रेस्ट जो नहीं इशू करते वो 400 हो जाएंगे। अब ये जो 600 इशू किए हैं, इस 600 में से जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो हैं 550। लेट्स से जो इस टाइम करंटली शेयर होल्डर्स की के होल्ड में है शेयर्स वो 550 शेयर्स हैं और 50 शेयर्स जो हैं वो ट्रेजरी शेयर्स हैं। ये वो शेयर्स हैं जो कंपनी ने टोटल 600 इशू किए थे, 50 शेयर्स कंपनी ने रीपर्चेज कर लिए थे शेयर होल्डर से और ये ट्रेजरी शेयर्स हैं, कंपनी की ट्रेजरी में है। अब ये शेयर्स जो हैं ये अब क्योंकि वंस ये इशू हुए थे तो ये इशूड नंबर जो इशूड शेयर्स का नंबर है उसको इंक्रीज करेंगे ना डिक्रीज करेंगे। ये एक बार इशू हो गए, कंपनी इसको एक बार रीपर्चेज करे, दो बार करे, रीसेल करे, ये इशू ही रहेंगे, ये उस इशू नंबर को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेंगे, उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों का
जो एडिशन अमाउंट है जो कि 600 है, कि ये एक बार इशू हुए थे लेकिन अभी ये कंपनी के पास वापस आ गए हैं, लेकिन फिर भी ये इशूड की कैटेगरी के अंदर ही रहेंगे। उसके बाद क्लोजली हेल्ड शेयर्स हैं कि अब ये जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे 550, इसके अंदर 100 शेयर्स वो हैं जो कंपनी के क्लोजली कॉर्पोरेट्स हैं, एफिलियेट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके पास और वो उनको ट्रेड नहीं करते। तो वो लेट्स से इस 550 में से 100 शेयर्स जो हैं वो क्लोजली हेल्ड शेयर्स हैं, और जो 450 शेयर्स हैं वो फ्लोटिंग शेयर्स हैं, वो ट्रेड हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड हो रहे हैं, उसकी ट्रेडिंग होती है, तो ये वो फ्लोटिंग शेयर्स हैं। अब इन दोनों का एक्युमुलेशन जो है वो 550 है, जो कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, जो कि इस टाइम शेयर होल्डर्स की के पास होल्ड उन्होंने किए हुए हैं, आपके पास आपके कंपनी के शेयर उनके पास होल्ड हुए हैं। तो ये इस टाइम करंटली 450 और 100 शेयर्स आपके शेयर होल्डर्स के पास हैं, इसलिए हम इनको आउटस्टैंडिंग शेयर्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, और ये टोटल 500 शेयर्स हैं। होप ये जो टाइप्स हैं ये आपको समझ आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि जो कंपनीज ये सारी इंफॉर्मेशन अपनी बैलेंस शीट के अंदर कैसे लिखती है या कैसे मैनेज करती है या क्या इंफॉर्मेशन देती है अपने यूजर्स को जो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं, जो इनकी एनुअल रिपोर्ट्स को देख रहे हैं। तो ये एक बैलेंस शीट है एक कंपनी की, पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है, और यहाँ पे इनका ये इक्विटी शेयर होल्डर लाइबिलिटी वाला पोर्शन मैंने आपके लिए सेपरेट किया हुआ है, जहां पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले उन्होंने इक्विटी और लाइबिलिटीज के पोर्शन के अंदर शेयर कैपिटल रिजर्व्स लिखा हुआ है, और सबसे ऊपर लिखा हुआ ऑथराइज शेयर कैपिटल, और अमाउंट साथ में लिखी हुई है, और साथ में ऑर्डिनरी शेयर्स, और ये भी मेंशन किया है कि ये किस टाइप के शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, और हर शेयर की प्राइस लिखी हुई है, और टोटल अमाउंट कितनी है शेयर की 2500000000, और ये आप देख रहे हैं कि ये हर साल के अंदर यही अमाउंट है कि कंपनी जो है वो इतनी अमाउंट का शेयर इतनी अमाउंट के शेयर्स जो है वो ऑथराइज है कि वो इशू करे। अब यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखा, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो खुद निकाल सकते हैं, वो इस तरह के जो आपकी जो टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल की अमाउंट है उसको आप पर शेयर के साथ आप जो हर शेयर की जो प्राइस है उसके साथ आप उसको डिवाइड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपको जो ऑथराइज शेयर नंबर ऑफ शेयर है वो मिल जाएगा, वो तकरीबन 2,50,00,000 बनता है कि इतनी नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कंपनी इश्यू कर सकती है। उसके बाद अब ये यहाँ पे इस कंपनी ने ये जस्ट इंफॉर्मेशन दी है, इस वैल्यू का ये जो बाकी कैलकुलेशंस हैं, जो शेयर होल्डर इक्विटी की कैलकुलेशंस हैं, उसके साथ इसका कोई कंसर्न नहीं है, जस्ट ये एक आपको अपने जो यूजर्स हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि वो कंपनी इतना अमाउंट ऑफ ऑथराइजेशन रखती है, इतनी अमाउंट की ऑथराइजेशन जो है वो करेगी, और बाकी जो इनकी इक्विटी की कैलकुलेशंस हैं और जो लाइबिलिटीज की कैलकुलेशन है वो फिर अलग से। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक और बैलेंस शीट है, और ये कोको कोला कंपनी की बैलेंस शीट है, और यहाँ पे ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट दिस शेयर्स एंड स्टॉक, कि कोका कोला कंपनी शेयर ओनर्स इक्विटी के अंदर ये इस पोर्शन के अंदर ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कॉमन स्टॉक हर शेयर की वैल्यू जो है वो $0.25 है पार वैल्यू, और कंपनी ऑथराइज कितनी है, कितना ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर्स है 11,200 शेयर्स, कि कंपनी का ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 11,200 शेयर्स, और उस ऑथराइज के अंदर से कंपनी ने कितने इशू किए हैं 7,040 शेयर्स इशू किए हैं। जैसे कि हमने इस फ्लो चार्ट के अंदर भी देखा था कि कंपनी का ऑथराइज शेयर बताया है, उसके अंदर से कितने इशू किए हैं वो बताया है, बाकी जो होगा वो अनइश्यूड होगा। तो इस के अंदर हम ये देख रहे हैं कि कितना ऑथराइज शेयर बताया है और इशूड कितने हुए हैं वो इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद ये बाकी उनकी शेयर ओनर्स शेयर होल्डर्स की बाकी कैलकुलेशंस हैं, और यहाँ पे उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है ट्रेडी स्टॉक एट कॉस्ट, कि जो ये वो शेयर्स हैं या वो स्टॉक है जो कंपनी ने
बाय बैक कर लिया, रीपर्चेज कर लिया। और इसको ये उनका नंबर ये है कि 2738 2020 के अंदर और 2760 शेयर्स उन्होंने 2019 के अंदर बाय बैक किए थे। तो उनकी ये अमाउंट बनती है उन शेयर्स की, और ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो उनकी ट्रेजरी के अंदर है, कंपनी की ट्रेजरी के अंदर। तो इस तरह कंपनी जो है वो अपनी जो शेयर्स की इंफॉर्मेशन है वो इस तरह जो उनकी बैलेंस शीट्स हैं और जो शेयर होल्डर इक्विटी का पोर्शन है उसके अंदर वो इस तरह इस इंफॉर्मेशन को लिखते हैं अपने यूजर्स के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनकी कैलकुलेशंस के लिए। अब बेस्ड ऑन ऑल दीज टाइप्स ऑफ शेयर्स और इनकी जो इंफॉर्मेशन है, हमने फिर अपनी एनालिसिस करना होता है, हमने कैलकुलेशंस करनी होती हैं और हमने उसका फिर उसको प्रॉपर एनालाइज करते हैं कि कंपनी के कितने शेयर्स हैं, कितने आउटस्टैंडिंग हैं, कितने इशूड हैं, कितने फ्लोटिंग के अंदर हैं, और फिर इसका प्रॉपर एक उसकी इक्विटी साइड पे जब एनालिसिस उसका करते हैं तो इन सारी चीजों को कंसिडर कर रहे होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को कंसिडर कर रहे होते हैं। होप कि इस लेक्चर के बाद आपको आपकी जो असाइनमेंट है और जो कैलकुलेशंस हैं और जो एनालिसिस आपने करना है उसमें आसानी हो जाएगी, बेहतरी हो जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर काफी ये हेल्प आउट करेगा। तो इससे फर्दर कोई आपकी क्वेश्चंस हो, क्यूरीज हो, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।